मुझको ये तन्हाइयाँ दसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ दसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दल दल हिलता है फिर भी कमल ये कमल है आपकी बहू चली गई कहाँ अपने ससुराल कोई सफाई मत देना मामा हमारी बेइज्जती होनी थी हो चुकी सपने टूटने थे टूट चुके अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं तुम्हारे लिए माँ बाप क्या है परिवार क्या है आज इसका पता चल चुका है बस एक एहसान और कर दो ये घर छोड़कर चले जाओ चले जाओ यहां से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं सरल तुम चुप रहो इसे कहो यहां से चला जाए मैं यह चेहरा फिर कभी देखना नहीं चाहता निकल जाओ यहां से जाओ गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट मानो जिस लम्हे का हम तीनों को इंतजार था वो लम्हा आ चुका था दीदी एक आंख में कमल की विदाई का गम और एक आंख में खुशी लेकिन मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि जो ख्वाब हम तीनों ने मिलकर देखा था उसे सच होता सिर्फ मैं ही देख पाई खुदा की कसम दीदी मैंने बहुत चाहा कि आपका इंतजार करूं लेकिन मैं डर गई थी कहीं लम्हा हाथ ना निकल जाए इसीलिए मैंने हाँ कह दी आप लोग चुप क्यों हैं? दीदी बोलो ना रीटा कुछ तो बोल दीदी बोलो तो सही जो मैंने किया क्या वो गलत था नहीं शिबू तेरी जगह मैं होती ना मैं भी यही करती डर सा लग रहा है अब उनकी मासूम कमल और इतना बड़ा घर पता नहीं उसका पति कैसा होगा नहीं दीदी लड़का बहुत अच्छा है मुझे पूरा यकीन है वो हमारी कमल का बहुत ख्याल रखेगा क्या क्या
क्या सोचा था अपुन कमल के वास्ते? उसका शादी धूमधाम से मनाएगा। खूब तैयारी किया था अपुन उसके लिए, याद है दीदी? जब वो 14-15 साल का था तब से अपुन उसके लिए एक एक चीज इकट्ठा करना शुरू किया। अरे अपुन क्या, अपुन तीनों, और अब वो चीजें पागल कहीं की। वो चीजें तो हम उसे अब भी दे सकते हैं। इस बहाने ना हम उसके घर चले जाएंगे और उसके पति को भी देख लेंगे। नहीं शब्बा, रीटा चल, तू मेरे साथ आ। चल आ मेरे साथ। रीटा वो साड़ियां और बेडशीट एक सूटकेस में पैक कर दे। हाँ। तब तक मैं गहने के डब्बे निकालती हूँ। अरे वो डिनर सेट कहाँ है? अरे रखा है ना अपुन संभाल के। देखा शब्बू आपा, आप हमेशा लड़ता था कि अपुन वो सेट यहाँ क्यों नहीं यूज करता। अब वो कमल के नए घर में काम आएगा। वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है तू? चल हमें देर हो रही है, चल। दीदी हम में से कोई भी कमल के घर नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं मत माँ, प्लीज। तृप्ति, हमारा दूसरा बेटा। मैं आपका दुख जानती हूँ। आपके दूसरे बेटे ने भी आपको निराश किया, लेकिन जो होना था हो चुका, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं पर खुद की आंखों से वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों को भी तो सपने देखने का हक होता है। आपने जो मानव से चाहा वो गलत नहीं है, लेकिन मानव ने जो किया वो भी गलत नहीं है। क्या उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? क्या आप ये चाहती हैं कि मानव की नई जिंदगी आपके आशीर्वाद के बिना ही शुरू हो? क्या एक बहू सास के आशीर्वाद के बिना अपना संसार शुरू करे? मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके और पापा के मन में ढेर सारा प्यार है। इसी प्यार की वजह से तो मैं इस घर से हमेशा के लिए जुड़ गई। नहीं तो माँ, क्या वो प्यार कमल को नहीं मिल सकता? प्लीज माँ, कमल को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन झूठ पर बना कोई भी रिश्ता
ज्यादा देर नहीं टिकता। और अगर मैं सच बता देती तो शायद ये रिश्ता बन ही नहीं पाता। दीदी, हर झूठ बुरा नहीं होता। हमारी तो पूरी जिंदगी ही झूठ पर टिकी हुई है। क्या हम में अच्छा ही नहीं है? और फिर मैंने मानव से झूठ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ सच को छुपाया है। उसे हमारे बारे में पता नहीं चलने दिया बस। शब्बू, पर जब उसे सच पता चलेगा तब क्या होगा ये सोचा है तूने? आप जब भगवान के चरणों में कमल चढ़ाती हैं, तो क्या ये सोचती हैं कि वो गंदगी में खिला है? आप ही तो कहती थी ना दीदी कि कमल की असली पहचान भगवान के चरणों में ही है। हमारी कमल को भी नई पहचान मिल चुकी है दीदी। अब हम अपनी पहचान का साया भी उस पर नहीं पड़ने देंगे। हम सच को इस घर से बाहर कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। कमल, ये रहा मानव का कमरा और आज से तुम्हारा भी। वैसे तो ये कमरा हमेशा ही वैसे ही रहता है। मानव कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं रखता। अब तुम आ गई हो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स भाभी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका मेरा कर्ज उतारने का एक रास्ता है। कमल, जो कुछ भी हुआ उससे इस घर के लोगों को जज मत करना। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, खास करके मम्मी पापा। बिलीव मी, आई डू। ये बात घर की बेटी नहीं, बहू कह रही है। और अगर बहू ससुराल की तारीफ करे तो विश्वास ना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सच भाभी, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। अरे ये क्या, उठो। तुम्हारा ये हार बहुत अच्छा है। It suits you। तुम्हारा नहीं, हमारा। अगर आपका जो है वो मेरा है तो मेरा जो है वो आपका भी हुआ ना। ठीक कह रही हो तुम, जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। माँ, बाबा, क्या आप लोग मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं जानता हूं कि मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है, पर यकीन मानिए मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। ना ही मैं ये चाहता था कि आपका सर लोगों के सामने झुक जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरा हस्बैंड भी जैसा ना हो। मैं अनीता से प्यार नहीं करता, और अगर हम आप लोगों के कहने से शादी कर लेते तो क्या हम खुश रह पाते? क्या अनीता खुश रह पाती? और हमें दुखी देखकर क्या आप लोग खुश रह पाते? जैसे मैं आप दोनों के बिना अधूरा हूं, वैसे ही मैं कमल के बिना भी अधूरा हूं। मैंने तो सिर्फ अपने आप को पूरा करने की कोशिश की। अगर ये गलती है तो गलती ही सही, लेकिन आपको जब माफ कर दीजिए। Thank you.
लिगना इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मानो ने जो कुछ किया अपनी खुशी के लिए किया। अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता? फर्क मुझे नहीं, मान्या को पड़ेगा। मानो ने अपनी खुशी के लिए मान्या का जरा भी ख्याल नहीं किया, ये तो बहुत बुरा है ना। अब मान्या कहाँ से आ गई बीच में? क्यों, आप महेश्वरी फैमिली को नहीं जानते? पहले भी एक बार बात निकलते निकलते रह गई थी। हेलो भाभी। हाय भाभी। हाय भाभी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? आपने अभी तक हमें भाभी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये है। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए भैया, हम खुद अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। भाभी, आई एम हितेन। और मैं केजे। केजे? कांतीलाल जयंतीलाल जाजू। भाभी आप फिलहाल केजे बोलिए। एंड भाभी आई एम रशिता। हाय। हो गया, अब बाकी बातें करते हैं। चलो भाई चलते, नहीं तो भैया सचमुच नाराज हो जाएंगे। या लेट्स गो। ओए भाभी, बाय, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। ओए भैया ठीक है। या भाई, बाय 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 बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। देख रहे हो? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही।